की राजधानी दमिश्क के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के बाद से ईरान भड़का हुआ है। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ बताया है। हालांकि इसराइल ने इस पर फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। माना जा रहा है कि इसराइल इस हमले की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। दावा है कि ईरानी दूतावास पर हमला कर इसराइल से बहुत बड़ी चूक हो गई है। वहीं प्रतिशोध की आग में झुलस रहे ईरान ने भी तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसराइल से इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है। जाहेदी के जनाजे में शामिल हुए ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बागेरी ने हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ये तय करेगा कि बदला कब और कैसे लेना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का समय, प्रकार और योजना हम बनाएंगे और ये इस तरह की होगी कि इसराइल अपने किए पर पछताएगा, ये निश्चित होगा। बता दें कि ईरान ने तैश में आकर इसराइल को धमकी नहीं दी है, बल्कि खतरनाक हथियारों का ट्रिगर लिए बैठे ईरान के पास वाकई तबाही मचाने वाले हथियार हैं। ये ईरान के खूंखार हथियार लाल सागर को पार कर इसराइल पर हमला करने का भी मादा रखते हैं। ईरानी समाचार एजेंसी ISNA ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि अगर इसराइल और ईरान में जंग होती है तो ईरान के पास लंबी दूरी के कई खतरनाक हथियारों का जखीरा है, जो कि इसराइल का नक्शा बदलने का दमखम रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इजरायली सरजमी पर हमला करने के लिए पर्याप्त दूरी वाली 9 प्रकार की मिसाइलें हैं। न्यूज एजेंसी ने कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलासा किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की मदद से हमले की योजना बना रहा है। अब आपको एक एक ईरान की उन 9 खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताते हैं, जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि तिलमिलाए ईरान के एक फैसले से ये मिसाइलें सीधे इसराइल में तबाही ला सकती हैं। सेजल मिसाइल, ये 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड 12 से 14 मैक है। खुर्रम शहर 4 उर्फ खैबर मिसाइल, जो कि मैक 5 की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। EMAD मिसाइल 2 से 7 मैक की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। शहाब 3 मिसाइल मैक 7 की स्पीड से 2000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। कादर मिसाइल मैक 9 की रफ्तार और 1950 किलोमीटर तक लक्ष्य पर निशाना लगाने का मादा रखती है। वहीं पावे मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1650 किलोमीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है। खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक दुश्मन को भेदने में सक्षम है। दावा है कि ये 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है। फतेह 2 मिसाइल मैक 5 की रफ्तार और 1400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना लगाने में सक्षम है। हाज कासिम मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है। मालूम हो कि दूतावास पर हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने हमले के बाद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ईरान इसराइल की एयर स्ट्राइक का जवाब देने और हमलावर को दंडित करने का अधिकार रखता है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने भी तल्ख लहजे में इसराइल को हमले के लिए भारी कीमत चुकाने की नसीहत दी है। इसके अलावा टॉप ईरानी मिलिट्री एडवाइजर जनरल रहीम सफवी ने चेताते हुए कहा कि हमले के बाद से इसराइल का कोई भी दूतावास अब सुरक्षित नहीं है। ईरान इसराइल को दूतावास के हमले का आईना दिखाने का मादा रखता है।